असल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे हाँ जी तो विंटर्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई हैं ईद गुजर गई है और अब मेरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लान था वो था अपने घर को समर के लिए रीसेट करना तो आज मैं आप लोगों के साथ समर रीसेटिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर करने वाली हूँ होप ये आप लोगों को मोटिवेट करेगी सो लेट्स गेट स्टार्टेड मौसम जैसे जैसे बदल रहा है उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो रात को जब आप सो रहे होते हो और अपने ऊपर आपने विंटर वाली क्वल्ट डाली होती है ना तो गर्मी लगती है और पसीने भी आना शुरू हो जाते हैं तो आज मेरा जो सबसे पहला टास्क था वो था अपनी विंटर वाली बेडिंग जो है जिसमें क्वेल्ट कवर है और पूरी बेडशीट है इसको रिमूव करना इसको वॉश करना एंड उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट आप ये देख सकते हैं ये मेरी क्वल्ट है और ये मैंने कोनूर मिल से ली थी आप लोगों को याद होगा तो आज मुझे इसको अच्छे से पैक कर लेना है इसका कवर मैंने रिमूव कर दिया है और वो मैं इन शाला तला धो लूंगी इस बेडिंग के बारे में भी बहुत से आप लोगों के कोश्चन्स आते थे तो ये वाले जो ये पूरा बेड सेट है मतलब ये इसमें चार पिलो केसेस थे कोल्ट कवर था एंड बेडशीट थी ये मैंने चैन वन से लिया था बट ये जो कोइल्ट है ये मैंने मिल से ली थी तो आप कहीं से भी अच्छी वाली कोल्ट वाले जो भी सेट मिलता है वो ले लें लेकिन अब क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो इस क्वेल्ट में गर्मी लगती है तो आज इसको मैंने रिमूव कर दिया बेडिंग को जो है मेरा जो क्वेल्ट था उसको मैंने पैक कर दिया और सारे जो कवर्स थे ना जो मेरे बेड के ऊपर लगे हुए थे इन सबको आज मैंने लेके अच्छे से वॉश कर लेने के बाद जब ये ड्राई हो जाएंगे इस्त्री हो जाएंगे तो मैं इनको पैक कर दूंगी क्योंकि ये मेरी विंटर की बेडिंग है तो मैं इनको समर में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूंगी इस तरह से जब आप पैक कर लेते हैं ना तो समर में आपका घर बिल्कुल ब्रांड न्यू सा हो जाता इसको मैंने निकाल के पैक कर लिया और अब मैं करूंगी अपने मेट्रस को रिफ्रेश हाँ जी मेट्रस जो है ना ये मेरा जो है मेट्रस कवर बिछा हुआ है इसके ऊपर होता यह है कि जब हम सोते हैं पसीने आते हैं कभी कोई बच्चे ने कोई चीज़ गिरा दी तो थोड़ा सा जितना भी वॉश कर लें ना थोड़ा बहुत मैट्रेस में एक कसर रह जाती है तो उसके लिए बेस्ट चीज़ ये है एक ये जो है टिप है आपने करना क्या है ये बेकिंग सोडा है बड़ा सो सस्ता मिलता है पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बस मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे बैडिंग चेंज करनी होती है तो मैं आ, इसके ऊपर बेकिंग सोडा की अच्छी सी लेयर लगा के तो इसको छोड़ देती हूँ तकरीबन कोई पंद्रह बीस मिनट अब पंद्रह बीस मिनट गुजर चुके थे तो मुझे था कि मैं इसको अच्छी तरह से वैक्यूम कर दूँ वैक्यूम करने से ही होता है इसको अब छंडे ना क्योंकि छंडने के ये नीचे गिरेगा और थोड़ा स्लिपरी सा होता है तो बेटर क्या होता है आप इसको अच्छी तरह से वैक्यूम कर दें आपके पास कोई भी वैक्यूम क्लीनर है आप इसको अच्छे से वैक्यूम कर दें तो मैं वैक्यूम कर रही हूँ मेरा जो इट्स वेरी हैंडी वैक्यूम कॉर्डलेस है और उसको मैं कहीं पर भी यूज़ कर सकती हूँ आधा घंटा मैं इसको चार्ज करती हूँ अगर ये आपके पास नहीं है आपके पास नॉर्मल वाला वैक्यूम है आप उससे कर ले नहीं है तो आप इस कवर को उतार के तो छंड मै मैट्रेस कवर को अच्छी तरह से जो ब्रश होता है ना वो लगा के नीचे इसको जमा कर लें सारे जितना भी इसके ऊपर आपने बेकिंग सोडा डाला है और फिर बिलीव मी आपका मैट्रेस जो है ना एक तो वो बहुत अच्छी एक तो उसका ओडर खत्म हो जाता है और एक फ्रेश जो फीलिंग है ना वो उसमें आना शुरू हो जाती है हाँ जी जो नेक्स्ट टास्क है मेरा वो है डस्ट माय हेडबोर्ड हेडबोर्ड मेरा जो है ना आप लोगों ने देखा हुआ है ये वेलवेट का है ठीक है का है है टफ्टेड वेलवेट का अगर आपका नहीं है तो ये वाला पॉइंट आप ओमट कर सकते हैं तो उसमें ये होता है कि डस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम ना विद्यूमलेट हो जाती है मैं बहुत कोशिश करती हूँ मैं थोड़ी फिनिकी हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता कहीं पर मिट्टी हो तो मैं इसको वैसे भी क्लीन करती रहती हूँ लेकिन क्योंकि आज पूरा बेडरूम का रीसेटिंग होनी थी तो मुझे था कि मैं इसको अच्छी तरह से जो है ना डस्ट कर दू तो उसके लिए मेरा जो वैक्यूम है कोई भी वैक्यूम आप ले लेंगे उसको अच्छी तरह से वरना अगर आपके पास डस्टर है आप वो कर लें इससे ये होता है कि मिट्टी यहां वहां नहीं गिरती तो अच्छी तरह से जो है मैंने अपने जो हेडबोर्ड है इसको कर लिया डस्ट हाँ जी हेड बोर्ड हो गया अब बारी आती है बेड की और बेड के लिए मैंने नई बेडिंग ली है दिस इज फ्रॉम कोनूर मिल आप लोगों को पता है दैट इज माय फेवरेट स्टोर जहां मैं जाके अपने बेड के लिए बहुत अच्छा सामान खरीदती तो ये वाला आ, क्योंकि मुझे ना मैं आपको अगर अपना पर्सनल बताऊ ना तो मुझे ना समर में बड़े लाइट कलर अच्छे लगते हैं अपने बेड के ऊपर विंटर्स में जैसे कि आपने देखा मरून कलर था वो मुझे डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं क्योंकि एक कोजी लुक आती है कोजी फीलिंग आती है विंटर्स में तो समर्स के लिए ना मैं प्रेफर करती हूँ कि लाइट कलर्स लूँ ताकि एक ना रिफ्रेशिंग सी आपको फीलिंग आए तो ये पीच कलर है कैमरा में इट इज लाइक बेबी पिंक बट ये पीच कलर का जो है वो बेडिंग थी और ये बेडशीट थी इसके साथ टू पिलो, पिलो केस थोड़ा बड़ा है तो आपने सिंपली उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना तो आपको इस तरह फील नहीं हुआ क्योंकि कोनूर और मिल की मैंने बेडशीट्स देखी वो थोड़ी सी उसके पिलो केसेस बड़े होते हैं अच्छा जी इनकी बेडशीट्स का जो किंग साइज के मैं लेती हूँ मेरा बेड अच्छा बड़ा किंग साइज का है. तो बड़े आराम से मेरे आ जाते हैं लेकिन थोड़ा सा किनारे ऊपर होते हैं और क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा बेड जो, like जो है वो बेडिंग चली जाती है तो अगर आपके पास नॉर्मल इस तरह का बेड नहीं है तो आप जो फिटेड शीट होती है ना वो यूज कर लें फिटेड शीट से आपको इतना फायदा हो जाता है सुबह तो के टाइम आपका बेड जो है ना वो बस थोड़ा सा मेहनत मांगता है विद इन अ मिनट जो है ना बेड रेडी हो जाता है तो इस तरह से मैंने चारों तरफ से पहले सन्हाने की तरफ से इसको मोड़ा फिर पैरों की तरफ से मोड़ा अब मैं किनारों से मोड़ी हूं और अब मैं आपको जो जो टिप है ना वो बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने कॉर्नर्स को जो है ना वो प्यारा कर सकते हैं बिल्कुल नीट कर सकते हैं तो वो ये है कि पहले यहाँ तक एंड तक लें और फिर फोल्ड करके इसके बाद इसके अंदर एंटर कर दें मतलब अंदर इसको फिक्स कर दें तो उससे होता ये है और ये चम्मच जो है मैंने सिर्फ रखा हुआ है अपने बेड के लिए इसके अंदर मैं खाना कभी भी नहीं बनाया ये लकड़ी का चम्मच है तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो बेड है वो एक ही तरह का बिल्कुल सही से चारों तरफ से फिक्स हो गया है। बेस्ट है आप अपने लिए फिटेड शीट्स ले लें अच्छा जी अब मैंने तकिए इसके ऊपर रख दिया अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नई क्विल्ट इट्स नॉट क्विल्ट सॉरी इट इज स्प्रेड समर्स में क्विल्ट से ना गर्मी फील होती है तो बेहतर है कि स्प्रेड्स लिया करें मुझे स्प्रेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। I have so many spreads, लेकिन ये क्योंकि समर स्टार्ट हो रहा था तो मुझे था कि मैं नई वाली मुझे जब गई तो मुझे ना बहुत ज्यादा वराइटी नहीं मिली क्योंकि ईद के बाद मैं गई थी तो वहां पर बहुत ज्यादा चीजें थी नहीं लेकिन शुक्र है फिर भी मैंने जो है ना कुछ ना कुछ ढूंढ ही लिया तो ये बहुत प्यारे थीम बहुत प्यारे कलर का जो पीच कलर का जैसा बेड का कवर है उसी तरह का जो है ना उसी प्रिंट में जो है उसके प्रिंट में मतलब जमीन उसकी वही पीच कलर की और उसके ऊपर बहुत खूबसूरत जंगल प्रिंट बना हुआ है डोंट दूर वरी इसके ऊपर मैंने बैठ के नमाज नहीं पढ़नी तो बहुत से कमेंट्स आ जाएंगे चीते बने हुए ये वो तो प्लीज नेगेटिव ना हुआ करें इट्स फॉर ब्यूटी मैंने इसके ऊपर नमाज नहीं पढ़नी मैं नमाज वैसे भी इस कमरे में नहीं पढ़ती तो so खैर ये तकिए जो है ना ये पीछे से नॉट लगती थी आपने पीछे देखा होगा बस ये मैंने बेड अपना अच्छा सा रेडी कर लिया एज यू ऑल कैन सी माई बेडिंग इज यू नो माई बेड इज रीसेट और जब आपका बेड रीसेट हो जाता है ना तो आपका कमरा बिल्कुल चेंज हो जाता है हाँ जी तब जब अगर बेड सेट हो गया है बेड को हमने जो है रीसेट कर दिया है तो अभी बारी आती है थोड़ी बहुत डेकोरेशन की तो बेड पे तो मैं कोई ऐसा डेकोरेशन नहीं करूँगी बस साइड पे मैंने जो है ना मैं हमेशा कोस्टर रखती हूँ तो ये आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड की साइड है उस मैंने किंग वाला कोस्टर रखा है और अपनी साइड को जो है मैंने इस तरह डेकोर किया मैं मोस्टली इसी तरह रखती ताकि थोड़ी सी जगह और रात को जब मैं अपना काम कर रही करी हूं तो पेन pen, पेंसिल मेरी डायरी रखने की जगह और ये मैंने क्वीन वाला कोस्टर इधर रख दिया इसके अलावा थोड़ी बहुत चेंजेस अपने घर में ले आया मेरे घर में मोस्टली आपको पता है कि बहुत एथनिक लुक वाला मेरा घर है तो मैंने जो ये अपना वॉल हैंगिंग है इसको हटा के तो मेरे पास बड़ी प्यारी किटन्स वाला और कैट्स वाली जो फ्रेम्स थी तो मुझे तक ये पड़ी नहीं है चलो आज मैं इसको लगाती हूँ थोड़ा सा जब आप अपने घर की डेकोरेशन चेंज करते ना तो आपका घर बहुत ही खूबसूरत से लोग देना शुरू करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नया बन गया तो समर की लुक के लिए आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वाइब्रेंट सी समरी लुक है मेरे जो है मैंने जो ये सिर्फ एक फ्रेम चेंज किया हाँ जी अगर आपके घर में डेकोरेशन पीसेस नहीं है ना तो आप सस्ते से सस्ता प्लांट लेके अपने घर में डेकोर करें तो आपका घर बड़ा प्यारा लगता है एक समर की ना प्रॉपर जो लुक आती है ना वो मेरा ख्याल है कि प्लांट से आती है तो प्लांट के लिए ये है कि विंटर्स में तो आपको इतनी केयर करनी नहीं पड़ती दस पंद्रह दिन में एक दफा पानी देना पड़ता है बट समर में ना थोड़ा प्लांट्स की केयर भी करनी पड़ती है उसमें ये होता है कि अगर आप पानी नहीं देंगे तो वो या उनको सही लाइट नहीं मिल रही इन सारी चीज़ों का अपने ख्याल रखना पड़ता है तो उसमें यह होता है कि उसके पत्ते जो है ना पीले होना शुरू हो जाते हैं उन पर स्पॉट्स बन जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि मैं फिर क्या करती हूँ इस तरह के जिस तरह मुझे लगता है कि स्पॉट बन गए तो मैं उनको जो सिजर होती है ना कैंची उससे मैं उनके वो पीसेस अलग कर देती हूँ क्योंकि अगर ये ब्राउन ब्राउन पीसेस या एज आपके प्लांट में नजर आएंगे ना तो उससे ना आपके घर की ना वो प्लांट की लुक ही बहुत बुरी लगती है तो कोशिश किया करें कि पांच मिनट दे दिया करें एक दफा राउंड ले लिया करें कि कौन से प्लांट में जो है वो पानी नहीं है या किस प्लांट को धूप की जरूरत है और प्लांट को स्टडी करें उसका नाम आपको आना चाहिए जैसे ये प्लांट है दिस इज कॉल्ड पार्लर पाम तो इसका ये कि मुझे पता है कि इसको कौन सी धूप चाहिए और क्या चाहिए और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जब भी देखें कि पौधे की जो सरफेस है ना वो बिल्कुल ड्राई हो गई तो उसको पानी दे दिया करें क्योंकि बहुत बड़ी रीजन होती है आपके पौधे के मरने की क्या यू नो पौधा मर जाता है अगर आप उसको पानी नहीं देंगे तो पानी टाइम पे दिया करें हाँ जी तो समर हो और समर के कपड़ों की बात ना की जाए तो वो तो बिल्कुल रॉन्ग है ना तो समर के कपड़ों के लिए जो है वो सिंपली विंटर जैसे ही ख़त्म और स्टार्ट होता है तो मैं अपने समर के कपड़े इस तरह अपने इस तरह के क्लियर बैग्स में रखती हूँ ताकि मुझे नज़र आए तो उसके बाद ये है कि सारे कपड़ों को मैं निकाल लेती हूँ ये हमारी नानी दादी अम्मी सब करते थे या आप लोग भी करते होंगे मैं भी करती हूँ तो समर के कपड़ों को इस तरह से निकाल लेने के बाद मैं अपने टेरेस पे मीन्स जो मेरी बैल्कनी है अगर आपके घर में टेरेस है तो वेल एंड गुड तो मैं अपने स्टैंड के ऊपर इस तरह पूरे जोड़े इस तरह रख देती हूँ फैलाने की जरूरत नहीं है बस इस तरह रख दें चार से छः घंटे इनको धूप लगे उसके बाद आप इसको अलमारी में रख दें आपको जैसे वो इरिटेशन होती है या फील होता है कि इचिंग हो रही है तो वो नहीं होगी तो कोशिश करें कि अपने समर के कपड़ों को जो है वो इस तरह धूप जरूर लगा लिया करें इट्स अ बेस्ट टिप फॉर योर समर क्लोथ्स हाँ जी विंटर्स में बहुत सी शॉल्स बहुत सारे थ्रोस हमारे घर में होते हैं मेरे तो लाउंज में बहुत होते हैं ओढ़ लिया कभी गैस कम आ रही है तो पैरों पर डाल दिया तो मेरे घर में इस तरह के शॉल्स और इस तरह के थ्रोस बहुत होते हैं तो इन सबको मैं एक साथ बंद करती हूँ वॉश करके सुखा के कोशिश करें कि गंदे ना हो क्योंकि अगर आप कोई कपड़ा बंद कर रहे हैं और वो गंदा है तो वो बाकी सब कपड़ों में भी स्मेल लेकर आएगा तो कोशिश करें कि सारी चीजें जो आप पैक कर रही हैं विंटर्स की उसमें सारी चीजें वॉश रहो उसमें से स्मेल ना आ रही हो तो ये सारे मैंने इस तरह के क्लियर बैग में अच्छी तरह से पैक कर दी और इसके अंदर मैंने डाल दी काफूर की गोलियां अब जबकि मैंने विंटर की शॉल्स बंद कर दी हैं तो कपड़ों को मैं कैसे भूल सकती हूँ जो बैग्स मेरे खाली हो गए हैं वो मैंने हर एक के अलग अलग रखे हुए हैं बच्चों के अलग हैं हस्बैंड के अलग हैं, मेरे अलग हैं इस वक्त सिर्फ मैं आपको अपने कपड़े दिखा रही हूँ तो ये मेरा कोट है इस तरह के बहुत सारे कोट्स होते हैं घर में उसको इस तरह पैक कर लें तय कर लें और उसके बाद इस तरह के जो बैग्स होते हैं जो कि इनका लिंक मैं नीचे आप लोगों को दे दूंगी बहुत अच्छी क्वालिटी के बैग्स हैं बहुत अच्छे बैग्स हैं वो और बैग्स की तरह नहीं है मैंने एक दफ़ा मंगवाए थे किसी वेबसाइट से वो फट गए थे ये बहुत अच्छे बैग्स हैं मेरा दूसरा सीजन है कि मैं इनमें कपड़े पैक करी सारे विंटर के क्लोथ्स मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं पैक कर दिए हैं और ये सामने से एक तो एक्सपेंडेबल है नीचे से और ऊपर से क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक लगी हुई तो आपको सारे कपड़े नजर आ रहे होते हैं कि इसके अंदर आपने कौन कौन से कपड़े रखे हुए बस इसको मैंने सारे कपड़ों को पैक कर दिया ये मेरे हैं और इन सब को मैंने ऊपर जो मेरी है उसमें रख दिया हाँ जी तो विंटर्स में हर एक के घर में हीटर्स होते हैं और हीटर्स को ये होता है कि जैसे ही विंटर खत्म होती है सबसे ज्यादा जो चीज हमारी विंटर्स में जो है वो फेवरेट होती है वो वही सबसे ज्यादा चुभ रही होती है तो मुझे इतने दिन से था कि मैंने हीटर को ऑफ करना है बंद करना है इसको पैक करना है तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह पैक करती हूँ मैं पहले अच्छी तरह से अपने हीटर को कपड़े से साफ कर लेती हूँ फिर जो इसके अंदर जो ये फिल्टर लगा हुआ है ना मैं इसको ओपन करके पहले मैंने फिल्टर को अच्छी तरह से मींस uh, वैक्यूम कर लिया वैक्यूम से ये होता है कि इसकी डस्ट खींच लेता है वो वैसे मैं क्योंकि वक्तन फवक्तन इसको साफ करती रही थी तो इतनी ज्यादा आपको मिट्टी नहीं नजर आएगी इसको जब साफ करें क्योंकि कोरियन हीटर्स हैं चाइनीज है डोनो कोरियन है और ये मैंने कोयटा से खरीदे थे अभी तो पूरे पाकिस्तान में हर जगह आसानी से मिल जाते हैं तो इनका जो ये फिल्टर होता है ना इसको साफ करना बहुत जरूरी होता है जैसे हम ए को साफ करते हैं अच्छी तरह से साफ कर लेने के बाद मैं इसको ओपन करूंगी और ओपन कर लेने के बाद आप चाहें तो उसको धो भी लें मैंने तो कुछ अर से पहले धोया था तो इसलिए मुझे नीट रही थी तो इसकी जो पीछे ये जाली लगी हुई है ना इस तरह की जो बनी हुई है जगह इसको भी अच्छे से आपने वैक्यूम करना है ठीक है छंडना नहीं है वैक्यूम करना वैक्यूम इसकी सारी जो डस्ट होगी उसको सक कर लेगा साफ कर लेने के बाद इसको फिल्टर को अगर चाहती है धोलें धो लेने के बाद सुखा लेने के बाद इसकी तारे इसके ऊपर जो है वो अच्छी तरह से एक जगह बनी हुई है आगे, आगे आपको दिखाऊंगी लपेट के इसका जो पाइप है वो भी इसके साथ लपेटिएगा अलग मत रखिएगा बना के बाद में फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ढूंढने में और इसको क्लिंग फिल्म सॉरी वो क्लिप मुझसे मिस हो गया है क्लेंग फिल्म में इसको अच्छी तरह से रैप कर दें ताकि इसके अंदर मिट्टी ना जाए दूसरे हीटर्स की मैं बात नहीं कर रही मैं इस तरह की हीटर्स की बात कर रही हूँ उस पर भी आप चढ़ा सकते हैं अच्छी तरह से क्लिंग फिल्म लगा दें जो होता है ना शीट होती है वो अच्छे से लगा के तो उसके बाद जैसे मेरे घर में ऊपर अलमारियों के ऊपर स्टोरेज की जगह तो मैं वहां पर इसको रख दूंगी और जैसे ही दोबारा विंटर्स आएगी मैं वो क्लिंग फिल्म हटाऊंगी बिल्कुल साफ सुथरे मेरे हीटर्स जो है ना वो मेरे लिए पड़े हुए होंगे सो इस तरह से आप अपने हीटर्स को भी आराम से पैक कर सकते हैं ताकि जब सर्दियां स्टार्ट होती है ना तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आपकी हीटर साफ सुथरे हाँ जी अब है है अबरिंग डिकलटरिंग बहुत जरूरी है जो विंटर के कपड़े आप नहीं पहन रहे जो अलमारी में से फजूल चीजें फालतू चीजें निकल रही हैं जो कि आपने सालों से नहीं इस्तेमाल की खुदा रहा उन्हें किसी को दे दें वो इस्तेमाल कर लेंगे तो आज मैंने अपने और तलाल के बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मेरी अलमारी में पता नहीं कब से पड़ी हुई थी उन सबको डिक्लटर कर दिया ताकि मेरी अलमारी भी हल्की हो जाए और किसी का जो है ना वो हेल्प भी हो जाए ये जो टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना हैंडी क्लोथ्स आप कहेंगे ये क्या है हाँ जी कपड़े तो मैंने पैक कर दिए लेकिन मैंने हर एक के दो दो जोड़े छोड़ दिए हैं वो इसलिए क्योंकि अभी एक होता है ना सर्दी से गर्मी की तरफ हम जब जा रहे होते हैं गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं तो एक हफ्ता ठंडा होता है एक हफ्ता गर्म होता है फिर एक हफ्ता ठंडा होता है बारिश हो जाती है तो उसके लिए दो दो जोड़े जो है ना मैंने हर एक के अलमारी में रखे हुए होते हैं और इस तरह के कप जो कागज वाला बैग होता है ना कोई भी बैग ले लें किसी भी ब्रांड का ले लें उसमें डाल के रखें और उसमें काफूर की जो है ना वो दो गोलियां डाल दें इन केस अगर आप वेकेशन पे भी जा रहे हैं मरी या कोई ठंडी जगह पे गर्मियों में तो आगे आगे आ रही हैं गर्मियों की छुट्टियां तो उसमें आपके पास ना आपको पूरे बैग्स नहीं निकालने पड़ेंगे आपके पास दो दो जोड़े पड़े हुए और कोशिश करें कि नए वाले जोड़े रखें और इस तरह ये सारे कपड़े मैंने अपनी इस अलमारी के अंदर एक तरफ करके रख दिए तो ये हैंडी कपड़े हैं जब भी चाहिए होंगे इसमें से मैं निकाल दूंगी समर रीसेटिंग में ना डीप क्लीनिंग बहुत जरूरी होती है भले आपके घर में हेल्पर्स हों वो आपके घर आके साफ करते हों मैं उनसे करवाती भी हूँ बट ऑन दी अदर हैंड मुझे थोड़ी सी ना मैं आई एम लिटिल फिनिकी, मुझे ना अपने घर को खुद साफ़ करना अपने हाथ से साफ करना अच्छा लगता है तो ये जो मेरा कारपेट है ना वो चाहे उसमें जितने भी झाड़ू लग जाए ना वो साफ़ नहीं होता उसके लिए मुझे वैक्यूम करना पड़ता है तो मैं वैसे भी एक आध तीन चार दिन के बाद साफ करती रहती हूँ लेकिन क्योंकि मुझे डीप क्लीन आज अपना घर रीसेट करना था तो उसके लिए मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी तो उसमें इस कारपेट को मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ कर लिया है हर हर कोना हर हर जगह ताकि इसके अंदर जो चीज़ फंस जाती है ना वो वैक्यूम से निकलती है झाड़ू से नहीं निकलती उसके अलावा बहुत से घर में हमारे घर में ऐसी जगह होती है जैसे टीवी के नीचे जो स्पीकर वाली जगह होती है ना वहाँ पर जितनी डस्टिंग कर लो ना वहाँ पर डस्ट एक्यूमुलेट होती ही होती है तो उसके लिए भी बेस्ट चीज़ है अपना वैक्यूम निकालें और उसमें जो छोटा वाला ब्रश होता है वो लगा लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगी क्योंकि वो सॉफ्ट सा ब्रश होता है और मतलब जहाँ पर आपको फील होता है ना कि आप डेली डस्टिंग कर रही हैं, डेली क्लीनिंग कर रही हैं बट वो साफ नहीं हो रहा तो उसको एक दफा हफ्ते में अपने घर को अच्छी तरह से साफ कर लिया करें विद द वैक्यूम क्लीनर और उसके अलावा ये है कि जो मैंने अपने घर में पॉट्स रखे हैं ना तो उनको भी मैं अच्छी तरह से जो है ना नीट एंड क्लीन कर देती हूँ विद थोड़ा सा गीला कपड़ा करके ना उनके ऊपर मार दें ये बहुत अच्छी क्वालिटी के जो है पॉट्स हैं अगर आपको इसका लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारे लिंक्स जो जो मुझे मिलेंगे मैं डाल दूंगी ताकि आप लोगों की ये थोड़ा सा हेंडी हो जाए सॉरी बाहर जो है ना वो बाइक्स चल रही हैं तो उसकी आवाजें भी आप लोगों को आ रही होंगी तो अच्छी तरह से मैंने अपना जो आप कह सकते हैं कि पॉट है इसको नीट एंड क्लीन कर दिया और अब जो है ये मेरा बहुत खूबसूरत सा आप कह सकते हैं फाउंटेन है और इसके अंदर थोड़ा पानी मैंने डाला और मैंने इसको ऑन कर दिया इट लुक्स सो नाइस एंड अलहमदुलिल्ला जो जो काम मैंने इस समर रीसेट में अपने घर के लिए आज सोचे थे आज मैंने वो सारे काम कर लिए हाँ, थोड़ी सी थक, थकावट हो जाती है बट आपका घर बहुत खूबसूरत लगता है आपका घर आपके अकॉर्डिंगली प्यारा लगता है आप चाहे जितने हेल्पर से काम करवा लें वो वैसा काम नहीं करेंगी ये बात हमेशा याद रखिए तो आपको अपने घर को अगर अपना पर्सनल टच देना है तो आपने किसी पर डिपेंडेबल नहीं होना आप डिपेंड नहीं करना आपने अपने काम खुद करने तो खैर ये थे ये था मेरा आज का समर रीसेट और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा दुआओं में मुझे याद रखिएगा टेक केयर